नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा पांचवी की पाठ्यपुस्तक परिसर अध्ययन दो पाठ तीसरा पृथ्वी पर सजीव ये पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पाठ में हमने देखा इतिहास और कालखंड की संकल्पना के बारे में अध्ययन किया। इस पाठ में हम देखेंगे पृथ्वी पर सजीव, उसके अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण मुद्दों का समावेश है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर सजीव और पृथ्वी पर प्राणी जगत। इन तीन महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति। देखो बच्चों, हमारे मन में कुछ ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ होगा, वह जैसे आज दिखाई देती है क्या पहले भी वैसा था या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन हुआ है तो वह किस तरह से परिवर्तन हुआ है, और इस पृथ्वी पर सबसे पहले किस सजीवों की उत्पत्ति हुई, ऐसा प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो देखो बच्चों, कुछ धार्मिक मान्यता के अनुसार लोगों का मानना है कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति और इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी है, पेड़ पौधे जलाशय पहाड़, सबका निर्माण ईश्वर की देन है। तो देखो बच्चों, इसके पीछे यह रहस्य नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वह लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व एक अंतरिक्ष में अति तप्त गैस और धूलि के कण मिलकर एक बहुत बड़ा विशाल प्रचंड एक बादल का निर्माण हुआ, और यह बादल अंतरिक्ष में चक्राकार रूप से एकदम तेज गति से घूमने के कारण एक बार उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और उसी में सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। अब इस 8 ग्रहों में एक हमारा पृथ्वी है जिसपे हम रहते हैं। तो देखो बच्चों, इसे समझने के लिए इस तरह के चित्र दिए गए हैं। देखो बच्चों, जैसे कि जो बादल एक निर्माण हुआ था, उसका अंतरिक्ष में एक बादल, बहुत बड़ा बादल निर्माण हुआ, और वह बादल का निर्माण, उस बादल कैसे बना था, धूलि के कण अति तप्त गैस मिलकर एक बहुत बड़ा बादल, और यह बादल अंतरिक्ष में चक्राकार गति से घूमने के कारण उसका विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और टुकड़े होने पर के बाद 8 ग्रह का निर्माण हुआ सूर्य के साथ। अब यह जितने भी ग्रह हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण यह सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसमें से एक हमारा पृथ्वी है जिसपे हम निवास करते हैं। तो देखो बच्चों, वह सब ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य, अब उसके बाद है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, यूरेनस, शनि, नेपच्यून, इस तरह से 8 ग्रह का निर्माण हुआ। अब देखो बच्चों, अब है दूसरा पॉइंट है पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति। देखो बच्चों, अब सभी ग्रहों में से 8 ग्रह में से एक पृथ्वी ही ऐसा एक ग्रह है जिस पर सजीव पाए जाते हैं। अब इस पर सजीव किस तरह, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य से निकला हुआ ग्रह है, तो सूर्य को तो हम जानते हैं बहुत गर्म होता है, तो उसपे तो जीवन संभव नहीं होता इतना गर्म। अब देखो बच्चों, जैसे कि आप घर में आपकी मम्मी दूध उबालती है, पानी उबालती है, तो वो कितना गर्म होता है, उसको भी ठंडा होने में लगभग 1 घंटा 2 घंटा लगता है। तो जो हमारा ग्रह पृथ्वी है वह सूर्य से निकलने वाला ही ग्रह है, मतलब वह भी बहुत ही गर्म होगा। अब सोचिए, इतना बड़ा पृथ्वी को ठंडा होने में कितने वर्ष लगे होंगे, लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए हमारे पृथ्वी को ठंडा होने में। और इस पृथ्वी का जब पृष्ठभाग ठंडा हुआ तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ, और इस जलाशय में सबसे पहले एक कोशीय सजीव की निर्मिति हुई, और यह एक कोशीय सजीव इतने अति सूक्ष्म थे, मतलब इतने छोटे थे कि उसको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए हम यंत्र का प्रयोग करते हैं। हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसका कोई आकार नहीं होता है, यही एक कोशीय सजीव है जो सबसे पहले जलाशय में उत्पन्न हुए। अब ये इतना छोटा था कि इसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते,
इसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह जो चित्र बनाया गया है वह सूक्ष्मदर्शी के देखने पर ही ऐसा आकार दिया गया है। तो इसे देखने के लिए हम इस यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसे एक कोशी सजीव को देखा गया है। तो देखो बच्चों, आप ध्यान दो कि सबसे पहले जलाशय में एक कोशी सजीव का जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे इसी एक कोशी सजीवों से बहुकोशी सजीव का निर्माण हुआ और इसी एक कोशी सजीव को हम आदिजीव नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आदिजीव सजीवों का जन्म हुआ। अब सब पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति इस तरह से हुई। अब हम देखेंगे अगला तीसरा पॉइंट है बच्चों कि पृथ्वी पर प्राणी जगत, ये तो हो गया सजीव। अब प्राणी जगत, तो देखो बच्चों सभी ग्रह में एक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे प्राणी वनस्पति पाए जाते हैं। तो इस पाठ में हम प्राणी जगत के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राणी जो होता है बच्चों, उसकी क्या विशेषता होती है? जैसे कि आप बहुत सारे प्राणी देखे होंगे, जैसे मानव है और बहुत सारे कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी बहुत सारे प्राणी हैं। अब उनकी क्या विशेषता होती है? तो प्राणी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह श्वसन करता है, मतलब सांस लेना, जैसे हम और आप लेते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया। तो सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है प्राणी की श्वसन की, जो प्राणी है वह श्वसन क्रिया करता है। और दूसरा है कि प्रत्येक प्राणी भोजन या अन्न को प्राप्त करने के लिए वह स्थानांतरित करते हैं, मतलब उनके शरीर में हलचल होता है। कोई भी काम, मतलब हम भोजन हमें ऐसे बैठे बैठे प्राप्त नहीं होता है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है। मतलब प्रत्येक प्राणी की यही विशेषता होती है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पक्षी हो, उसको बैठे बैठे भोजन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर में हलचल करना पड़ता है। तो प्रत्येक प्राणी अन्न को प्राप्त करने के लिए हलचल करता है। तीसरा विशेषता है कि प्रत्येक प्राणी अपने जैसे सजीवों को जन्म देते हैं। जैसे कुछ प्राणी, जैसे सांप है और मुर्गी है, कुछ प्राणी अंडे देते हैं और कुछ प्राणी चूजे को जन्म देते हैं और कुछ प्राणी जो होते हैं वह शिशु का जन्म देते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्राणी दिए गए हैं बच्चों, जिसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे सब प्राणी दिए गए हैं, तो ये प्राणी अपने ही जैसे प्राणी का जन्म देते हैं। तो इसे ही पृथ्वी पर प्राणी जगत की उत्पत्ति हुई और उनकी यही विशेषता है। तो देखो बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न है, एक कोशीय सजीव को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जैसे कि हमने पढ़ा कि एक कोशीय जो सजीव है वह बहुत ही छोटा है, वह इतना सूक्ष्म होने के कारण उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए एक कोशीय सजीव को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करते हैं। आपको ये उत्तर लिखना है। और दूसरा है, एक कोशीय सजीव कहाँ उत्पन्न हुए? तो देखो बच्चों, एक कोशीय सजीव सबसे पहले पानी में उत्पन्न हुए। अब तीसरा प्रश्न है, सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ? जैसे कि हम जानते हैं वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे अंतरिक्ष में एक अति तप्त गैस और धूलि के कण मिलकर एक बहुत बड़ा और विशाल प्रचंड बादल का निर्माण हुआ और यह बादल इतना तेज गति से चक्राकार घूमने के कारण उसका विभाजन हुआ। विभाजन के फलस्वरूप हमारा जो सूर्य से निकलने वाले जितने भी ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ, जैसे कि चित्र में दिखाई दिया गया है। देखो बच्चों, सूर्य एक तारा है जो चमकता है, जो बहुत तप्त होता है, बहुत गर्म होता है, और सूर्य से निकलने वाले जितने भी ग्रह हैं, जैसे कि पहला आपको इसे प्रश्न में दिया है कि घूमने वाले ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो आपको बता दी हूँ, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब चौथा प्रश्न है,
प्राणियों की कोई दो विशेषताएं लिखो। देखो बच्चों, हम सब प्राणी को देखे हैं, तो प्राणियों की विशेषता क्या होती है? सबसे पहला प्राणी की ये विशेषता है कि प्राणी श्वसन करते हैं। दूसरा है, प्राणी अन्न को प्राप्त करने के लिए संचरण करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तीसरा है कि प्राणी अपने ही जैसे सजीवों का निर्माण करते हैं। क्या आपका यह चौथे प्रश्न का उत्तर है? तो देखो, चौथा प्रश्न था आपका प्राणियों की कोई दो विशेषताएं। तो मैं आपको क्या बताई बच्चों कि प्राणी श्वसन करते हैं, प्राणी अन्न को प्राप्त करने के लिए हलचल करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करते हैं, और प्राणी अपने ही जैसे सजीवों को जन्म देते हैं। यह प्राणी की विशेषता है। जो आपको चारों प्रश्न के उत्तर बताए गए हैं बच्चों, आप अपने तीसरे पाठ परिसर अध्ययन 2 के तीसरे पाठ पृथ्वी और सजीव यह पाठ लिख करके आपको शुक्रवार और शनिवार में उसका फोटो भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।